सरकार का तो मेन मकसद है ये कमीशनखोरी लागू करना पंचायती राज में, ये पंचायती राज को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। जब तक ग्राम पंचायतों में अधिकार नहीं दिए जाते जब तक चलेगा ये आंदोलन। सरकार का तो मेन मकसद है ये कमीशनखोरी लागू करना पंचायती राज में, ये पंचायती राज को धीरे धीरे खत्म करना चाहते हैं। आप एक चीज देखो, ये कहते हैं पारदर्शिता होगी, पेवा के अंदर 2018 में अनाउंसमेंट करी थी मुख्यमंत्री जी ने ड्रेन पुल की, और अब वो पुल एक साइड था बिल्कुल बैठ चुके हैं, 5 साल में टेंडर नहीं लगे उसका, कहाँ था पारदर्शिता होगी? सरकार तो गुमराह करने का काम करी। आप एक चीज देखो, एक महकमा हरियाणा का PWD और BNR का सरेआम बदनाम है, 8 से 10% कमीशन लेकर टेंडर दिए जाते हैं, वही काम ही पंचायती राज में मंत्री जी लागू करना चाहते हैं। क्या लगता है कब तक आंदोलन चलेगा, महीने दो महीने? जब तक ग्राम पंचायतों को उनको अधिकार नहीं दिए जाते जब तक चलेगा ये आंदोलन। किस प्रकार का आंदोलन, उग्र भी हो सकता है? उग्र नहीं होने देंगे आंदोलन को, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाएंगे। उग्रता क्यों करेंगे हम, स्टेट हमारी है, इन नेता लोगों को क्या जाता है, अब लोग हमारे, स्टेट हमारी, नुकसान हमारा, हम अपना नुकसान क्यों करेंगे? हम लोग सरपंच है, हम प्रतिनिधि है चुने हुए, हम अपने स्टेट का माहौल थोड़ा खराब करेंगे। कह रहे हैं कि जो सरपंच हैं तरीके से काम करते वो काम कर रहे हैं, और जो नहीं करेंगे उनके जो ग्रांट है वो वापस जो काम कर रहे हैं उनको दे दी जाएगी। ग्रांट इनका कोई एहसान थोड़ा, ग्रांट हमारे अधिकार, टैक्स देते हैं हम, देश की जनता का पैसे, इनके ये कौन है वापस ले जाने वाले, हम कोर्ट के माध्यम से ले लेंगे। ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये मुख्यमंत्री जी अपने मंत्री में क्यों नहीं कार्रवाई करते, सरेआम एक महिला कोच के साथ अभद्र व्यवहार किया उन्होंने, उसकी कोई जाँच नहीं, रजिस्ट्री घोटाला ही कोई जाँच नहीं, दान घोटाला ही कोई जाँच नहीं, शराब घोटाला ही कोई जाँच नहीं, पंचायती राज के अंदर पीछे फोगिंग मशीनें खरीदी गई थी भारी मात्रा में जिनकी मार्केट वैल्यू 12-13 हज़ार रुपये है, और उनके 52-52 हज़ार के बिल पास किए गए, उनकी क्यों नहीं जांच करवाते? जो ये मंत्री जी ई लाइब्रेरी और जिम खोलने लग रहे हैं, मैंने मीडिया को बिल भी दिए थे इनके, इतना गबन हो रहे कर रखे उसके अंदर, उसकी क्यों नहीं जाँच करवाते? जिम के अंदर 5-5 हज़ार रुपये के स्पीकर लगा के 1-1 लाख के बिल पास किए गए हैं म्यूजिक सिस्टम के नाम पर, उसकी क्यों नहीं जाँच करवाते? आप 2 साल के जो ग्राम पंचायतें नहीं थी उसके बीच जो कागजों के अंदर काम हुए हैं, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ, कागजों के अंदर पूरा का पूरा बजट अडप लिया गांव देहात का इन्होंने, उसकी क्यों नहीं जांच करवाते? ये हमारी पूर्णतः मांग है, जो हमारे अधिकार है 29 के 29 अधिकार दिए जाए, मैं 2 लाख 5 लाख खड़ा की मतलब है, ये भी एक छोटी सरकार है जो भी 1 रुपये से लेकर 50 करोड़ से 20 करोड़ सारा का सारा पैसा जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम पंचायतें अपने हिसाब से अपने गांव के विकास के लिए खर्च कर सके, ये 2 लाख 5 वाली तो कोई बात ही नहीं है। हमने तो स्पष्ट कर दिया कि जो हमारी पूर्ण अधिकार है हम तो वो लेके अपना संघर्ष खत्म करेंगे, उससे पहले हमारा कोई वो इरादा नहीं है, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो भिवाने में मीटिंग होने वाले हैं, सीएम आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे या क्या करेंगे, किस प्रकार का आंदोलन रहेगा? मुलाकात क्या करें, जब मुलाकात तो अगर मुख्यमंत्री जी ने करनी होती है, लोग सड़कों में बैठे हैं, 1 महीना हो गया तो हमसे बात करते, हम तो अपना शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे, सरकार का कहीं भी प्रोग्राम होगा तो हम इसका पूर्णतः विरोध करेंगे, पूरे हरियाणा के अंदर कहीं भी हम सरकार का कोई भी प्रोग्राम नहीं होने देंगे। किसी मंत्री विशेष का या किसी भी एमएलए विधायक का? सत्ताधारी पार्टी का कोई भी नेता है हम सबका विरोध करेंगे, क्योंकि मौके पे सत्ता में तो ये लोग हैं, हम तो दूसरी पार्टी वाले तो भी अपील करा, जो विधानसभा में बैठे भाई आप क्यों नहीं आवाज़ उठाते, वो भी इतने ही दोषी हैं जितनी ये है, जब कानून लागू होता उस टाइम तो वो भी आवाज़ उठा सकते विधानसभा में, सारे के सारे दोषी हैं 90 के 90, इसमें सत्ताधारी वाले का धरना नहीं है, क्योंकि इनकी थोड़ी ज़्यादा पूछो है इस टाइम, मुख्यमंत्री इनकी ज़्यादा मानना है मौके के है इस टाइम की, ये हम तो कांग्रेस वाले ने भी इतने दोषी बतावा, वो विधानसभा में क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों नहीं बोले वो? समर्थन कर रही है विधायक हैं और नेता के, अब हमारा समर्थन करे जिस टाइम ये कानून लागू होता उस टाइम क्यों नहीं बोले वो लोग, उनको पता नहीं था ये नीति जो लेके आ रही है गांव की गांव देहात के लिए हानिकारक है।